तो यार कैसे हो सब लोग। यार आज की ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही अलग होने वाली है मेरी दूसरी वीडियोस के मुकाबले। तो आज के इस वाली वीडियो में मैं तुम लोगों को यार सक्सेस स्टोरी ऑफ द रशर बताने वाला हूँ। तो हमारे प्यारे रशर भाई ने क्लैश ऑफ क्लैंस में कैसे सक्सीड करा और क्या उसकी सक्सेस स्टोरी है, इसके बारे में हम लोग आज के इस वाली वीडियो में बात करेंगे। तो चलो यार एक बार इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। यार ये वाली जो स्टोरी है ये कम्प्लीटली इमेजिनरी है और ये स्टोरी कम्प्लीटली मैंने बनाई है, तो इसके मज़े लो एंड वीडियो को एक बार लाइक कर दो अभी से। इस वीडियो का हमने एम रखा है 101 लाइक्स का, तो अगर वो लाइक गोल अगर पूरा होता है तो मैं ऐसी टाइप की वीडियोस और भी बनाने वाला हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट होते ही भाई यहाँ पर दो बंदों ने एक साथ क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना शुरू करी और यहाँ पर 5 साल पुरानी ये बात है। दो फ्रेंड्स थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने एक साथ क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना शुरू करी और यहाँ पर जो पहला दोस्त था उसको पता था कि क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे खेलनी है और उसने कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस भी देख रखी थी क्लैश ऑफ क्लैंस की, तो उसने उसको फॉलो करके यार नॉर्मली अपने बेस को टाउन हॉल 8 तक अपग्रेड करा। और उसके बाद में जैसे ही यार यहाँ पर अलग अलग अपडेट्स आते गए टाउन हॉल 9, टाउन हॉल 10, टाउन हॉल 11 के, उसके अकॉर्डिंगली उसने फॉलो करके अपने बेस को अपग्रेड करा और उसने जेम्स भी बचा कर रखे थे, तो उसके बेस में ऑलरेडी 5 बिल्डर्स आ चुके थे एंड अभी वो टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर है क्लैश ऑफ क्लैंस का, जो कि टाउन हॉल 11 है और टाउन हॉल 11 ट्रॉफी पुश करता है। एंड उसका जो दूसरा दोस्त था उसको इतना ज़्यादा पता नहीं था गेम के बारे में, तो उसने स्टार्टिंग में ही ट्यूटोरियल के साथ में अपना जो बेस है उसको रश कर दिया टाउन हॉल 5 तक। उसने अपने बेस को यार ले गया अपग्रेड करके जेम्स के सहारे और गोल्ड स्टोरेजेस भी उसने अपग्रेड करी थी, बट उसने डिफेंसेस कोई भी नहीं लगाई थी अपने बेस में और ट्रूप्स भी उसके जो लो लेवल के थे उसकी वजह से वो अटैक ढंग से नहीं कर पा रहा था। तो उसने एक दिन अपने फ्रेंड के पास गया और उसे पूछा कि यार ये मेरा बेस ऐसा क्यों बना है और तेरा बेस इतना बढ़िया कैसे बन गया। तो उसने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और उसे कहा कि भाई तू गेम नए सिरे से शुरू कर ले, तेरा इस गेम में कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये अकाउंट को डिलीट कर दे। तो हमारे रशर भाई ने इस बात को यार समझा और इस बात को नहीं माना और उसने कभी भी हार नहीं मानी क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो थोड़े दिनों बाद यार यहाँ पर वो भी सीख गया कि क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे खेलनी है और उसके बेस में बिल्डर भाई हमारे आ गए। तो बिल्डर भाई तो सबको पता ही होगा कौन है, तो बिल्डर ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो बिल्डर को बस चाहिए थे थोड़े जेम्स और उसने कहा उसे कि मुझे तू जेम्स दे दे और जेम्स लेके मैं तेरे बेस में आ जाऊँगा अपने भाइयों को लेकर और तेरे बेस में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग ठीक कर देंगे। तो बिल्डर भाई की बात सुन के रशर ने 5 बिल्डर हमारे ले लिए। 5 बिल्डर लेने के लिए उसे बहुत ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ा था और उसने ट्रॉफी पुश भी बहुत ज़्यादा हाई लीग तक करी थी टाउन हॉल 7 पर आके ड्रैगन एंड बलून से, और उसने 5 बिल्डर्स खरीद लिए। बट अभी भी जो इसका बेस था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और इसके बाद में एक और बंदा आ गया इसके बेस में जो था मास्टर बिल्डर। तो मास्टर बिल्डर यार बिल्डर का भी बाप निकला और उसने इसको एक और सजेशन दिया जो कि है उसके बेस में डिफेंसेस लो लेवल के थे, तो मास्टर बिल्डर ने उसे कहा कि भाई तू आज से सिर्फ अपने ट्रूप्स एंड जो बैरक्स है उस पर ध्यान दे और अपने टाउन हॉल लेवल को जितना ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है उतना ज़्यादा अपग्रेड कर ले। तो ये सजेशन भी मास्टर बिल्डर का मानकर हमारे रशर भाई ने यहाँ पर अपने बेस को टाउन हॉल 11 तक ले गया और सिर्फ उसने गोल्ड स्टोरेज बैरक्स एंड वॉल्स को अपग्रेड करा, नया कुछ भी नहीं लगाया बेस में। बस उसके पास 4 बैरक्स, 1 लेबोरेटरी, डार्क स्पेल फैक्ट्री और 1 स्पेल फैक्ट्री थी, तो उन्हीं चीज़ों को उसने अपग्रेड कर करके यहाँ पर टाउन हॉल 11 के जो भी मैक्स ट्रूप्स होते हैं वो उसने लगा लिए। और एक दिन उसको यार नए क्लैन में एंट्री मिल गई, तो नए क्लैन में उसने कहा कि मुझे वॉर में ले लो। तो उसे पता नहीं था कि यार टाउन हॉल 11 होके उसका जो रैंक होगा वो बहुत ही नीचे आएगा वॉर में। तो उसे जैसे ही वॉर में ले लिया गया उसका जो बेस था वो टाउन हॉल 7 के बराबर रैंक हो गया यहाँ पर क्लैश ऑफ क्लैंस के वॉर मैप में, और उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि उसके पास जो भी ट्रूप्स थे वो टाउन हॉल 11 के थे बट जो उसका बेस यहाँ पर वॉर में रैंक हुआ था उसके सामने टाउन हॉल 7 आ गया था। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था और उसने खुशी खुशी में यार नंबर 1 पर अटैक ट्राई करा और नंबर 1 पर भाई उसने 3 स्टार्स ला दिए क्योंकि उसके पास टाउन हॉल 11 के सारे ट्रूप्स थे और जो भी डिफेंसेस थे उसके टाउन हॉल 7 के थे। तो यार क्लैन में उसके बेस को रश बेस कहा जाता था, तो यार इस रश बेस का नाम हटाकर क्लैन वालों ने उसका नाम रख दिया इंजीनियर बेस और यहीं से इंजीनियर बेसेस की शुरुआत हुई थी।
और उसने अपने नए फ्रेंड को भी बता दिया कि यार उसका जो बेस है वो इंजीनियर बेस बन चुका था, और यहाँ पर जितनी उसके फ्रेंड को अटेंशन नहीं मिली थी उससे ज़्यादा अटेंशन इसको यूट्यूब पर, गूगल पर और सोशल मीडिया पर अटेंशन मिली, एंड इंजीनियर बेसिस का नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो आई होप है तुम लोगों को ये वाली वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो ये थी हमारे प्यारे रशर भाई की सक्सेस स्टोरी। अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो एक बार इस वाली वीडियो को लाइक करो एंड उसके बाद में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वाली वीडियो को। तो मैं मिलूँगा तुम लोग से मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर लाइव स्ट्रीम में। तो तब तक के लिए एज यूजुअल, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।